आजा 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 आओ हाँ। जी खुश रहो। कहाँ से हो बिटिया? अशोकनगर से महाराज जी। अच्छा अच्छे से बैठ जाओ। बोलो बेटा। सबसे पहले महाराज जी मैं आपके चरणों में शत-शत नमन। अशोकनगर में मेरी अर्जी लगी थी, उसके दूसरे दिन ही मेरे घर पे बालाजी की सेना पहुंच गई। वानर के रूप में बंदर आए। वाह ताली बजा दो जब हनुमान जी पहुंच गए तो। 20 तारीख को मैं बागेश्वर धाम भी गई थी, उसके भी तुरंत बाद 2 दिन लगातार दोनों दिन आए। हकीकत में के सपने में? नहीं हकीकत में, सभी लोगों ने देखे भी और घर पर, और मेरे पापा को भी बहुत ज्यादा आराम मिला। क्या हो गया उनको? उनको पैरालाइज की प्रॉब्लम थी, मैंने बताया था। और क्या जी? और आपने बताया था कुलदेवी की पूजा करें। कुलदेवी की पूजा करें, आज स्वयं का प्रश्न लेकर आए, स्वयं भी सफल होंगे, पिता पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे, स्वयं की अर्जी भी स्वीकार है, अभी 1.5 वर्ष का समय है, मंगल काज भी संपन्न होगा, आशीर्वाद है। और महाराज जी एक और विनती, मैं मेरी बहन को भी बुलाना चाहती हूँ एक बार। दूर से आशीर्वाद जी। और एक और प्रश्न महाराज जी, हाँ। मेरे मामा जी का बेटा है जो बोल नहीं पाता है, जन्म जा हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है लेकिन वो फिर भी बोल नहीं पाता है। शब्द उच्चारण ठीक हुए उन्हें ले आइयो, और अष्टमी को हवन देना है हमें या महाराज मामा जी को? आपको, ये आपके लिए हो पाए, अभी अर्जी आपकी बात चल रही है। अष्टमी को आपको हवन करवाना है, हवन करवाने से भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। वाह 20% पिताजी के ऊपर कृपा हो गई है, हाँ। पैरालाइसिस में, हाँ। और 21 पेशी पूर्ण होते होते तक पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। जाओ आशीर्वाद। कोई भी घर का करे, जरूरी नहीं तुम पूजा करो, ब्राह्मण आकर के हवन कर दे, ब्राह्मण करेगा, घर के ही लोग करते हैं लेकिन लड़कियां नहीं, ब्राह्मण को बुला के हवन तो ब्राह्मण करवाए। अच्छा जी जी महाराज, नवचंडी पाठ का हवन ब्राह्मण करवाए की हम बुलाओ। बागेश्वर महाराज जी की जय। जय तारवाले बालाजी सरकार की जय। जय।